वेलकम टू आरजे वास्तु। आप सभी को मेरा नमस्कार। बिकॉज ऑफ बिजी स्केड्यूल आज बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाने का टाइम मिला है, तो हम थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं कि किसी भी घर को या वास्तु को 16 दिशाओं में कैसे डिवाइड करना होता है। फर्स्ट स्टेप है उस वास्तु का या घर का मैप बनवाना। आप किसी भी ड्राफ्ट्समैन से या आर्किटेक्ट से अपने घर का मैप बनवा सकते हैं। उसके बाद स्टेप आती है घर का सेंटर निकालना। लास्ट टू वीडियोस में हमने इसके बारे में पूरी जानकारी ली है, किसी भी रेगुलर या इरेगुलर प्लॉट का सेंटर कैसे निकालना होता है। इन दोनों वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज वहां जाकर आप देख सकते हैं। अभी नेक्स्ट स्टेप है, घर का परफेक्ट सेंटर निकालने के बाद हमें लेनी होती है उस घर की डिग्री, जो हम मोबाइल कंपास से या किसी भी मैग्नेटिक कंपास यूज करके वो डिग्री ले सकते हैं। इस तरह से मैग्नेटिक कंपास मार्केट में अवेलेबल होते हैं, इससे भी आप घर की डिग्री ले सकते हैं, या फिर आप मोबाइल कंपास से भी चेक कर सकते हैं। अब ये डिग्रीज कैसे लेनी होती है, एग्जैक्टली कौन से डायरेक्शंस में ये डिग्री लेनी होती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। सपोज ये हमारे घर का मैप है और ये जो है ये हमारे घर की मेन एंट्रेंस है। अभी हमने इस घर का सेंटर निकाला है। सपोज ये हमारे घर का सेंटर निकला है और ये हमारी एंट्रेंस है, तो डिग्री लेने के लिए हमें घर के बाहर खड़े होना है और इस डायरेक्शन में फेस करके, घर के अंदर फेस करके हमें डिग्री लेनी है। मैंने मोबाइल कंपास ओपन किया है। सपोज मेरे सामने घर की एंट्रेंस है, मैं घर के सामने खड़ी हूं घर के बाहर, तो हमें इस तरह से राइट एंगल में अपना हैंड रखना है और मोबाइल इस तरह से हाथ के ऊपर रखकर हमें डिग्री चेक करनी है। जो डिग्री मोबाइल दिखा रहा है वो हमारे घर की डिग्री है। अब हमने यहां से एक डिग्री ली है। सपोज ये डिग्री है 180 डिग्री। अब हमें घर के अंदर दो तीन जगह पे इस तरह से सेम डायरेक्शन में डिग्री लेनी है और जो डिग्री मैक्सिमम आ रही है वो डिग्री हमें कंसीडर करनी होती है। तो समझ में आया? सबसे पहले घर का मैप बनवाना है, उसके बाद घर का सेंटर निकालना है, फिर हमें लेनी है कंपास से डिग्री। दो तीन जगह पे हम लोग डिग्री लेने वाले हैं, फिर उसके बाद जो डिग्री मैक्सिमम आ रही है वो डिग्री हम घर को ग्रिड करते टाइम कंसीडर करने वाले हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है, जो हमने डिग्री निकाली है उसको हमें कैसे यूज करना है। देखिए ये शक्ति चक्र है, शक्ति चक्र के बारे में आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। ये सब यहाँ पर डिग्रीज मेंशन की होती है, आपको दिख रहा है। तो हमने जो डिग्री ली है वो डिग्री हमें यहाँ पे मैच करनी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो ये सेंटर निकाला है, ये सेंटर और शक्ति चक्र का सेंटर हमें मैच करना होता है। डिग्री हमने इस डायरेक्शन में ली है तो सेंटर से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करने वाले हैं और शक्ति चक्र का और घर का सेंटर मैच करके 180 डिग्री हम फाइंड आउट करेंगे और इस लाइन पे हम लोग 180 डिग्री को अलाइन करेंगे। शक्ति चक्र की 180 डिग्री हम इस लाइन पे अलाइन करेंगे। ये देखिए मैंने सेंटर मैच किया है और यहां पर 180 डिग्री दिखा रहा है, तो इसको मैंने मैच किया है लाइक दिस। ये देखिए ये सेंटर और 180 डिग्री पे मैंने मैच किया है। उसके बाद
हमको ये जो लाइंस है इसके ऊपर, इसमें सब डायरेक्शंस मेंशन की हुई है, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, हमें क्या करना है, सिर्फ मार्क करना है इस तरह से सब डायरेक्शंस। लाइक दिस, फिर सब लाइंस मैच करके 16 डायरेक्शंस हमारी निकल कर आने वाली है। सेंटर से हमें ऐसे लाइंस ड्रॉ करनी है, इस तरह से हमारी डायरेक्शंस निकल के आने वाली है। सभी डायरेक्शंस इस तरह से हमें मैप पर डिवाइड करनी होती है। देखिए, ये एक घर का मैप है मेरे पास ग्रिड किया हुआ, इसके ऊपर हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, ये इस घर की एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस, और आप एरो देख सकते हैं अगर, तो इस डायरेक्शन में डिग्री ली हुई है, लाइक दिस डायरेक्शन। फिर ये जो है, ये इस घर का सेंटर है, और आप साइड में देख रहे हैं शक्ति चक्र यहाँ पर प्रिंट किया हुआ है, और शक्ति चक्र का और घर का सेंटर यहाँ पर मैच किया हुआ है। तो हमें क्या करना है, इस सेंटर से जिस डायरेक्शन में हमने डिग्री ली है उसी डायरेक्शन में एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है सेंटर से। फिर उसके बाद हमें सेंटर मैच करना है शक्ति चक्र का और घर का, और जो डिग्री दिखा रही है वो डिग्री इस लाइन पे हमें अलाइन करनी है, और फिर शक्ति चक्र के ऊपर जो हमें डायरेक्शंस दिख रही है, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, इसकी मार्किंग यहाँ पे है, वो हमें मार्क कर लेनी है पेपर के ऊपर। फिर जो पॉइंट्स हमें मिलेंगे तो सेंटर से वो पॉइंट्स हमें ज्वाइन करने हैं, फिर हमारी 16 की 16 डायरेक्शंस निकल कर आ जाएंगी। तो इस तरह से हमें किसी भी घर को 16 दिशाओं में डिवाइड करना होता है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारी है, 16 दिशाओं में हमारा घर ग्रिड हो गया है, हमारी वास्तु ग्रिड हो गई है, 16 की 16 दिशाएं घर की निकल कर आ गई है। अभी नेक्स्ट स्टेप है, हमें चेक करना है कौन कौन सी एक्टिविटीज कौन कौन सी डायरेक्शंस के अंदर आ रही है। हमें यहाँ पे टॉयलेट दिख रहा है, टॉयलेट सीट दिख रही है, वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर आ रही है, तो हमें इस टॉयलेट को ट्रीट करना होगा रेड कलर की टेप से या आयरन की स्ट्रिप से। इस तरह से टॉयलेट की पोजीशन चेक करनी है, फिर किचन की पोजीशन हमें चेक करनी होती है, बेड की पोजीशन हमें चेक करनी होती है, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हमें उसको ट्रीट करना होता है, और ट्रीट करने के बाद हमें वास्तु परफेक्ट हाउस मिल जाता है, और हमें वास्तु के अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अभी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो फिर से एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले घर का मैप बनवाना होता है, फिर उसका सेंटर निकालना है, फिर हमें लेनी है उस घर की डिग्री, फिर शक्ति चक्र का और घर का सेंटर मैच करके हमें 16 दिशाएं मार्क करनी है, और इन दिशाओं में जो भी दिशाएं हमारी वास्तु में निकल कर आने वाली है वहां पर हमें सब एक्टिविटी चेक करनी है, कौन सी एक्टिविटी कौन सी दिशा के अंदर आई है, अगर कोई वास्तु दोष है तो हमें ट्रीट करना है, और इस तरह से हम अपने घर को या वास्तु को वास्तु परफेक्ट बना सकते हैं और वास्तु के अच्छे रिजल्ट्स पा सकते। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन प्रेस कीजिए, और साथ में बेल आइकॉन प्रेस करना भी ना भूलिए, जिससे मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी और आपके काम आने वाले इम्पोर्टेंट कंटेंट्स आपसे मिस नहीं होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू।